तो वेलकम बैक तो दोस्तों, न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी आए हैं खेत पर। एक्चुअली में दोस्तों क्या हो गया था कि खेत पर कुछ काम था और जो पेड़ नहीं रहते ना वो कट गए हैं। तो देखना था कि वो सही से कटे हैं या फिर उनको और कटवाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों शाम का समय हो गया, करीब 6:30 बज के 35 मिनट हो रहे हैं और ये देख सकते हैं सूरज कुछ ही समय में ढलने वाला है। देखिए दोस्तों पूरा एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है और आगे हैं जो पेड़ कटे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों यह दोस्तों बबूल का पेड़, आपने सुना ही होगा कि बबूल बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो दोस्तों ये वही पेड़ है और ये कट गया, ये काफ़ी पुराना पेड़ हो गया था। तो दोस्तों ये देखिए ये खेत साफ करवाया है। यहाँ पर दोस्तों एक पार थी जिसमें थोड़ी जो मिट्टी है वो इकट्ठी थी और ये देखिए दोस्तों ये पेड़ काटने के बाद कुछ ऐसा बचता है और इसको अभी मेहनत करके थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो मशीन वगैरह है वो चलेंगी नहीं। पेड़ काटने नहीं चाहिए है ना, उसमें दिक्कत कोई नहीं थी। ये जो पेड़ थे दोस्तों ये काफ़ी पुराने हो गए थे और गिरने भी वाले थे, इसलिए हमने सोचा कि कटवा दिया जाए उनको, क्योंकि मेहनत लगती काटने में बहुत, इसलिए तो उसको मशीन से कटवा दी। बाकी दोस्तों शाम के समय गांव में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, बिल्कुल शुद्ध हवा चलती है, बिल्कुल शांति चारों तरफ। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये पेड़ पड़ा है और दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये खेत में, यहाँ पर अभी कुछ पंजा वगैरह नहीं चलवाया है क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है उसके लिए। ये कटे पड़े हैं दोस्तों जो लकड़ियाँ हैं, देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों खेत पे आना एक अलग ही तरह का मज़ा रहता है क्योंकि खेत पे आना मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि शाम होने वाली है कुछ ही समय में और अपना है अपनी बाइक से वहाँ पर है, अभी दिखा देंगे। अभी समय है बहुत खतरनाक क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो तेज़ी से संक्रमित कर रहा है लोगों को। वैसे में दोस्तों बेहतर यह है कि आप किसी भी प्रकार से घर से ना निकलें क्योंकि घर से निकलना इस समय बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट हो तभी घर से निकलें और मास्क का उपयोग करें जब भी आप घर से निकलें और घर में भी उपयोग करें क्योंकि वायरस का पता नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि बाकी दोस्तों अगर बात करें तो गांव में इतना अच्छा लगता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और दोस्तों अभी तो है लॉकडाउन तो यहां पर लोग बागों को ज़्यादा काम तो नहीं रहते क्योंकि फसल वगैरह सब कट गई हैं तो फ्री रहते हैं मोर देन मतलब अधिकतर। ये दोस्तों मेड़ होती है जो दो खेतों को जोड़ती है। ये देखिए दोस्तों ये खेत के जो चार कोने रहते हैं उसके चारों तरफ ही रहती है। और ये है दोस्तों अपना खेत, इसी में थे ये दोस्तों, यहाँ तक थे, यहाँ तक इनको हटवा दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ फसल नहीं होती थी कुछ भी। और ये दोस्तों पेड़ भी पुराने हो गए थे। वैसे आप अभी देख सकते हैं अभी सूरज बिल्कुल गए, सूरज भगवान बिल्कुल जाने ही वाले हैं क्योंकि शाम का समय बिल्कुल पूरा हो गया है, अब होने वाली है रात, 7 बज गए हैं। दोस्तों लकड़ियां तो काफ़ी अच्छी हैं और इनका ये पता नहीं दोस्तों क्या लग गया है इस लकड़ी में, ये अधिकतर दोस्तों देखने को मिलता है, पता नहीं ये क्या रहता है, अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करें। ये देखिए दोस्तों भारी पेड़, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब पुराना पेड़ हो गया था और बहुत भारी पेड़ था तो इस प्रकार से ये सूखने के लिए अभी पड़ा है। और ये है इसका जड़, काफ़ी मजबूत होती है। दोस्तों अब चलते हैं घर, तो पहुंचते हैं पहले गाड़ी के पास, बाइक के पास, अभी तो घर जाएंगे यहाँ से।
मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, अभी चल रही है क्योंकि ये मई का महीना लगा है। जून में तो दोस्तों काफ़ी लू चलती है और उससे बचना काफ़ी मुश्किल होता है, तो घर पर रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को कर दें लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर करें ऐसी जानकारी के लिए, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों इस पेड़ को रुक कर करते हैं नमन, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी शक्तिशाली होता है। अभी आपको दिखाते हैं कौन सा पेड़ है। देखिए दोस्तों ये पीपल का पेड़ है, इसमें इससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, रात में भी दिन में भी सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसमें ही निकलती है। तो दोस्तों इसकी रक्षा करें और सभी पेड़ पौधों की रक्षा करें और सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें।